एक तो पंखो पकड़ लीजिए जाए। दीदी उड़ाइए उड़ाइए ऐसे कर। ओह माय गॉड, पे वीडियो शूट हो रहा है आर्य भैया का, और हम लोग यहाँ पे देखिए घर पे आ चुके हैं। तो उनके घर पे देखिए कुछ इस तरह का माहौल, यही है घर। यहाँ पे मीडिया वाला आया है, वीडियो शूट हो रहा है, चलते हैं भाई अंदर। गाइस अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके भैया से मिलकर जा सकते हो, क्योंकि इनको पूरा एड्रेस पता है, ठीक है। तो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लेना और भैया से संपर्क कर लेना, ठीक है। और ये पूरा आपको जहाँ आप बता रहे हो मंडका खान आर्य भैया और सारस का जो इस समय वायरल वीडियो है उनसे मिलना है, तो ये भैया आपको मिलवा देंगे। फाइनली गाइज मंडका के लिए सवारी मिल चुका है। अगर आप मंडका आते हैं तो आपको कंपल्सरी है कि आप गाड़ी रिजर्व करके ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी जाने के लिए एक भी गाड़ी मिलता नहीं है। क्यों भाई? साधन नहीं मिला, बहुत ही सुनसान एरिया है, और यही रोड जाएगा। और अभी हम लोग कुछ समय लगेगा, 15-20 मिनट जो भी रहेगा। तो आपको मंडका खान करके गांव है, वहाँ पे जो है आपको जाना है। अगर वो सारस और आर्य भैया का जोड़ी का वीडियो लाइव देखना चाहते हैं, है कि नहीं, उनसे मिलना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे एक भी गाड़ी नहीं जाता है, गाड़ी नहीं आपको यहाँ से ये चौराहा पड़ेगा। कौन सा चौराहा भैया? गौरीगंज ना, ये तो आपको तुरंत आते हैं। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे गौरीगंज चौराहा है। इससे जामो वाला रोड पे आपको लगभग 4 किलोमीटर जामो वाला रोड पे चलना पड़ेगा, और उसके बाद से आपको बाएं मुड़ जाना है। और कहीं से भी आइएगा तो गौरीगंज से अगर आपको मंडका खान जाना है तो गौरीगंज ही आएगा, नियरेस्ट पड़ेगा मंडका, नियरेस्ट पड़ेगा गौरीगंज से 12 किलोमीटर पड़ेगा, 4 किलोमीटर आपको जामो वाला रोड पे पड़ेगा, और उसके बाद से उधर आपको बाएं मुड़ जाना है। तो जहाँ से मुड़ना है मैं आपको वहाँ पर के रास्ता आपको दिखाऊंगा। अगर आगे आ पाएंगे तो रास्ते में एक यादगार के लिए बता दूं कि आप सही रास्ता जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसा मकान देखने को मिलेगा, पता नहीं मकान है क्या है, मालूम नहीं चल पा रहा है। ये देखो गाइज, अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके भैया से मिलकर जा सकते हो, क्योंकि इनको पूरा एड्रेस पता है, ठीक है। तो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लेना और भैया से संपर्क कर लेना, ठीक है। और ये पूरा आपको जहाँ आप बता रहे हो मंडका खान आर्य भैया और सारस का जो इस समय वायरल वीडियो है उनसे मिलना है, तो ये भैया आपको मिलवा देंगे। तो एक बार भैया का एड्रेस इन्हीं के साथ भाई लोग आना, नंबर देख लिए हो, और आर्य भैया और जो सारस का जो इस समय वायरल वीडियो है पूरा एड्रेस ये जानते हैं, मंडका खान है ना भैया। बाकी आप कहाँ मिलेंगे, आप कहाँ मिलेंगे, चौराहे मिलेंगे, गौरीगंज चौराहे मिलेंगे ना आप? आप रुके थे जहाँ? हाँ, तो गौरीगंज चौराहे पर रहते हैं। इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर लेना, एक बार फिर से नंबर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो भैया से कॉन्टेक्ट करके आना। मेरा नाम रोहित सिंह है भैया, मेरा नाम रोहित सिंह है, रोहित के ब्लॉग्स मेरा यूट्यूब चैनल है। तो मतलब मेरा नाम बताएंगे सब तो आराम से पहुंचा दीजिए, ठीक है। हाँ मेरा नाम बताएंगे लोग जो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। गाइस देखो यहीं से मुड़ना है, वो देखो वहाँ पे बोर लगा हुआ है। कौन सा चौराहा है भैया? दयालापुर। तो गाइस यहाँ पे दयालापुर चौराहा है, यहीं से आपको मुड़ना है, ठीक है। और यही सीधे चला जाएगा मंडका खान, आपको कहीं पूछने की जरूरत नहीं है, एकदम बिल्कुल। यहाँ पे सवारी चलता है क्या? इधर इधर यहाँ तक आती, इधर नहीं जाती। अच्छा इधर नहीं जाती है, वो देखिए उधर वो रोक रहे हैं, रोक लीजिए, हम जाएंगे घर से, क्यों लगे? चलिए ना, तब चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं कहाँ जाएंगे। और आपको रास्ता को यादगार बनाने के लिए बीच में एक नहर भी पड़ेगा, ठीक है। कहाँ नहीं है? तो गाइज यार मैं आपको पूरा एड्रेस जहाँ पे है आपको वहाँ पर लेकर जा रहा हूँ, वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि भाई आपका गोरखपुर से के पास देवरिया जिला से चलकर आया है, ठीक है। तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है यार। तो अभी पूरा एड्रेस बताने के लिए उसके घर पर लेकर चलते हैं, आर्य भैया के घर के पास, तो वीडियो पे बने रहिएगा। तो गाइज यही है टीवी टावर चौराहा, और यही से हम लोग को बाएं मुड़ना है क्या? अच्छा सीधे चलना है, यही टीवी टावर रोड है, ठीक है।
चौराहा है यही, ऐसे आपको सीधे चलना है। तो देख लो गाइस, यादगार के लिए आप भूलिए मत, ये यहाँ से आपको बाय नहीं मुड़ना है। लोनियापुरी एक किलोमीटर दिख रहा है, ये आपका टीवी चौराहा यही है, ठीक है, यही है टीवी टावर गाइस, ये देख लो। और यही इसी रास्ते से हम लोगों को आगे जाना है, आप यही से बिल्कुल सीधा आपको जाना है। देखो गाइस कितना सुनसान है यहाँ पे, इसलिए एक भी गाड़ी घोड़ा चलता नहीं है, जो भी आता है अपने बाइक वगैरह से आता है, सवारी वारी नहीं चलता है। ये देखो गाइस, ये देखो गाइस कैसा बिल्कुल सुनसान एरिया। आपको आसपास के गांव के नाम बता दूं तो मोहनपुर और सुजानपुर आपको बगल में गांव देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये देखो बिल्कुल सुनसान एरिया, तो आप लोग बुक करके ही गाड़ी यहाँ पे आ पाएंगे उनके घर पे। अभी हम कुछ दूरी पर आ चुके हैं और जगह का नाम नरौली चौराहा जय काही बीर बाबा। ये देखिए आपको रास्ते में देखने को मिल जाएगा, ये ग्राम पंचायत नरौली गौरीगंज जनपद अमेठी, तो ये आपको रास्ते में आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल अगर आप यहाँ तक पहुँचे होंगे तो बिल्कुल आप सही जा रहे होंगे, तो और आगे चलते हैं। तो दोस्तों आ चुका हूँ मंडका गांव में, यही है मंडका खान गांव, और अभी अंदर चलते हैं, पूछते हैं आरिफ भाई के घर कहाँ पे है। ये रहा स्कूल आगे मंडका गांव में, और अभी किसी बच्चे से पूछते हैं, इधर इस बच्चे से पूछते हैं, यहाँ पे थोड़ा धीरा करिएगा यहाँ पे बाबू। यहाँ पे आरिफ नाम का कोई लड़का है सारस वाला जो है, कहाँ है घर? अच्छा भैया आरिफ आरिफ के आरिफ जो माने जो सारस के साथ वीडियो वीडियो बनाओ रहा है नहीं कितना दूर पड़ी? अरे बस है वहाँ जो दुकान है। तो गाइस हम लोग उनके गांव पे आ चुके हैं, चलिए जो दिख रहा है आगे से यही से मुड़ना है जाएगा, यही से मुड़ना है, यही से मुड़ना है आप लोगों को। ये देखो गाइस ये रोड, और हम लोग आ चुके गांव के अंदर, और आरिफ भैया से मिलेंगे कि बहुत ही अच्छा काम किए हैं, कि पशु पक्षी के प्रति कितना दिल से प्रेम का भाव रखते हैं, है ना। चलो भैया आ गए आरिफ, कहाँ है पे वीडियो शूट हो रहा है आरिफ भैया का, और हम लोग यहाँ पे देखिए घर पे आ चुके हैं। तो उनके घर पे देखिए कुछ इस तरह का माहौल, यही है घर, यहाँ पे मीडिया वाला आया है, वीडियो शूट हो रहा है, चलते हैं भाई अंदर। तो भाई फाइनली आ चुका हूँ, सारस भैया कहाँ है? अरे सारस उड़ गया क्या? अच्छा है, ये रहा सारस, ये देखो यही सारस जो इस समय काफी सुर्खियों में छाया हुआ है, और वहाँ पे उनका पैर देख सकते हो, ये रहा पैर जो भैया आरिफ भैया ने इनका जो टूटा हुआ था उनका मलहम पट्टी किया था, और आज ये सारस इन्हीं के साथ रहता है, आरिफ भैया के साथ। वहाँ गए तो वहाँ देखा हमने सारस पड़ा है, तो जब इसके पास गए देखा हमने तो फिर इसका पैर टूटा हुआ था, इसलिए जो है इसको घर लेकर आए, और घर लाने के बाद इसका देसी तरीके से हल्दी हल्दी लगा के जैसे मुर्गी जाता है वैसे जो है, तो देखिए आपको काटने दौड़ा मेल है। देखिए शॉर्ट में स्टोरी ये है कि ये इसका पैर में जख्म था जिसको आरिफ ने ठीक किया है, अब इतना अच्छा मित्र बन गया है ये कि कहीं भी जाते हैं आरिफ तो पीछे 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 ये पक्षी भी दौड़ पड़ता है, ठीक है, बहुत सारा विजुअल है स्क्रीन पे देख सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि उसके कब का ये घटना है? जब ये लगभग एक साल पहले एक साल पहले हो गया। आप इंस्टाग्राम पर भी इसके साथ भोजपुरी में बोलेगा? हाँ बोली ना, कोशिश करते हैं भोजपुरी में बोलेंगे जी। मतलब कब की घटना है ये? लगभग एक साल हो गया। यही गांव की घटना है? भोजपुरी भोजपुरी उधर साइड के थोड़ा दूर। क्या करने गए थे आप वहाँ पे? खेत में काम करने गए थे, मजदूर लगे थे वहाँ पे। अच्छा जी जी, तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ मिला? हाँ हाँ, वैसे पड़ा हुआ। हल्दी वल्दी लगा के हल्दी वल्दी लगा के जैसे गांव घर में मुर्गी मुर्गा रखे रहते हैं लोग ना, तो पैरों टूट जाता है उसका, तो उसको बसो वसो लगा के पता नहीं कैसे कैसे बांध देते हैं, तो वैसे जो है हम भी बांध दिए थे उसको। पूरा आरिफ को देशी अंदाज पता है कि कैसे जख्म को ठीक किया जाता है, और ये जो सारस पक्षी है बता दे कि पूरे देश में मतलब बहुत
हट जाए तुम भेज हुआ कौन अब पकड़िए ऐसे आगे पकड़िए साइड से काटेगा नहीं हम पापा तो आरिफ भैया के पास आते हैं और ये आरिफ भैया और उनके सारस क्या नाम रखे हैं इनका जी नाम तो बचपन में रखा जाता है हमको जवानी में मिला था अच्छा जी जी तो सबसे पहले नमस्कार करना चाहूंगा आप सभी दर्शकों को और फाइनली आरिफ भैया से मिल लिए और इन समय सुर्खियों में छाए हैं क्योंकि छाए क्यों ना क्योंकि ऐसा ये काम किए हैं आरिफ भैया तो आपको ये कब मिला था और किस अवस्था में मिला था लगभग आज के एक साल पहले खेत में मिला था इसका पैर टूटा हुआ था अच्छा तो इसको हम घर लेके आए देसी तरीके से जो हमसे हो सकता था वही इलाज उलाज के इसका उसके बाद आज आपके सामने है तो अभी भी जैसे मान लीजिए इसका सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं जी 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 तो इसको पैर सही होने में कितना टाइम लग गया पैर सही होने में 1 से 1.5 महीने लगा था इसका और तब से आपके मतलब आपके साथ ही में हाँ तब से मेरे साथ रहता है मैं जहाँ जाता हूँ जैसे जैसे जाता हूँ वैसे हमको फॉलो करता है बाइक से जाता हूँ तो साथ ऊपर उड़ के जाता है जब पैदल जाता हूँ तो साथ दौड़ते हुए जाता है मतलब जैसे भी रहता हूँ वैसे फॉलो करता है अभी जैसे मैं इसको टच कर सकता हूँ हाँ, क्या देखिए एक बार तो इसको मैं टच करता हूँ ओह माय गॉड आंख बचाई रखिए ओहो जैसे आप थोड़ा टच करिए हम तो मुंह से टच कर दें अपने किस करिए उसको किस करिए देख लो ओह माय गॉड मतलब ये मेल है या फीमेल है ये मेल है मेल है देहाती में कहीं ना रहे अच्छा ना रहे ठीक है तो मतलब अभी तक वन विभाग का कुछ ऐसा ऑब्जेक्शन रहा है क्या नहीं ऑब्जेक्शन कुछ नहीं रहा क्योंकि आजाद है हमेशा खुला रहता है ना किसी बंदेश में है अगर इसको जाना होगा तो जब हम बाइक से जाते हैं ऊपर ऊपर उड़ा करता है वो चला जाएगा जहाँ जाना होगा कोई इसको पकड़ के नहीं रखा इसलिए वन विभाग कोई मतलब जब नहीं है परेशानी ओके जब आप सोते हुए सोते रहे तो आपके पास ही सोता पास नहीं सोता इसका जहाँ दिल करता है वहाँ रहता है क्योंकि आजाद है आजाद मतलब हाँ इसका दिल करता है कभी कभी पास भी आ जाता है कभी कभी यही दरवाजे पर रहता है कहीं कहीं कभी कभी खेतों में चला जाता है थोड़ी देर बाद मतलब जहाँ दिल करता है वहाँ रहता है तो इसके साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आप इससे थोड़े समय दूर रहते हैं तो आपको क्या महसूस कर पाता है कि आरिफ भैया यहीं पे हैं कि कहीं और हैं नहीं घर में जैसे हम रहते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर पे निकला करते हैं या कहीं आया जाया करते हो तो देखा ही करता है जैसे हम घर पे नहीं है कहीं चले गए हैं तो फिर ये कहीं बाहर चले जाएगा अपने फैमिली से या दोस्तों से मिलने या चुनने उनने दाना साना ऐसे करता रहता है तो आज मतलब सुबह से गया है कि यहीं पे है नहीं आज तो यहीं पे है कहीं नहीं गया सुबह से सुबह हम सिर्फ मॉर्निंग वॉक पे लेके गए 3 किलोमीटर इसको दौड़ाने गए थे हम भी दौड़े साथ में ये भी दौड़े अच्छा अच्छा जी तो अभी इसको क्या खिलाते हैं खिलाने में दाल चावल सब्जी रोटी ही सब खाता है तो जैसा कि भैया का जो लुक आ रहा है आरिफ भैया का वो KGF 2 से कहीं ना कहीं मिलता जुलता हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको जो KGF 2 इस समय काफी मतलब उस समय अपने समय पे ट्रेंडिंग मूवी चला था जी जी तो आपको प्रोड्यूसर जो है एक्टर है हम लोग गुजारिश करेंगे सारे पब्लिक गुजारिश करेगा कि KGF 2 में इनको 3 में इनको मौका दिया जाए करने का तो आपको अगर मौका मिलता है तो क्या करेंगे मिलेगा तो कौन नहीं करना चाहेगा हम तो किसी को मौका मिलेगा तो करना चाहेंगे क्यों नहीं करना चाहेंगे तो ये लुक जो है आपका मतलब पहले से था तो दाढ़ी वाढ़ी हल्की छोटी थी तो अच्छा, हमने थोड़ा मूवी वूवी देखी तो बढ़ा लिया ऐसे बाकी बाल वाल तो पहले से रखे थे हमने इनके ब्लॉग जो चैनल है उस पर जाइए पूरा सारस के बारे में जानकारी लीजिए और मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो है उनको लिंक डिस्क्रिप्शन वहां से आरिफ गुर्जर नाम से है उसके जाके देखिए अगर अच्छा लगे तो फॉलो कीजिए मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है आरिफ गुर्जर के नाम से उसको जो चाहे आप जाके वहां विजिट कर सकते हैं उसपे यूट्यूब का भी लिंक मिल जाएगा जो है डिस्क्रिप्शन में जाएगा यूट्यूब चैनल भी है अभी नया नया चालू किया ज्यादा वीडियो नहीं है इंस्टाग्राम पे ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे कैसे खाता है कैसे नहाता है कैसे उठता है कैसे बैठता है कब उड़ता है कब साथ जाता है सारे वीडियो मिल जाएंगे उसके बाद आरिफ गुर्जर जो है ARIF आरिफ और GUR और JAR गुजर आरिफ गुजर नाम से YouTube चैनल नेम बता दीजिए आरिफ गुजर सारस का दोस्त YouTube चैनल है थोड़ा लंबा है बल्कि Instagram पे आप जाइए वहाँ से शादी मिल जाएगा उस YouTube भी फॉलो कर सकते हैं आपके नाम से नहीं आपके काम से लोग जानते हैं ठीक है धन्यवाद शुक्रिया वो तो हमें मानो तक जो फर्ज होता है वो हमने किया जी थैंक यू सो मच भैया जी दीदी उड़ाइए उड़ाए
ओह माय गॉड, वंस अगेन हेलीकॉप्टर फैला है, वंस अगेन एक बार और मोमेंट आएगा। परेशान हो गया है, वाओ तेज हवा फिर है, समझ नहीं रहा तुम सोच रहे हो ना। परेशान हो गया है, तेज हवा फिर है, समझ नहीं रहा तुम सोच रहे हो ना। क्या क्या इंटरव्यू आ रही भैया, क्या इंटरव्यू हो गया। आई होप गाइस का वीडियो थोड़ा ही पसंद है तो लाइक करिए, चैनल को क्या करिएगा सब्सक्राइब करिएगा, और यहाँ मिस्टर इंडियन बाबू का भी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस समय प्यार और मोहब्बत की हम दोनों लोग की काफी ज्यादा जरूरत है। और कहीं ना कहीं देवरिया और गोरखपुर से चल के लगभग हम लोग 350 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके केवल आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए आए थे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।